वालेकुम फ्रेंड्स, सुबह से दोपहर हो गई है और ये देखिए, ये है शादी वाला घर, देख सकते हैं आप। चलते हैं सफाई कर लेते हैं यहाँ की। देख सकते हैं किस तरह से फैला हुआ है सब जी, देख सकते हैं आप। तो फटाफट से घर का काम करके फ्री हो गए हैं, अब हम यहाँ पर अपना काम कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं शीट को कट कर लूँगी कोन बनाने के लिए। तो आप देख सकते हैं फटाफट से हम यहाँ पर शीट कट कर रहे हैं। तो अब हमने यहाँ पर कोन रोलिंग का काम शुरू कर दिया और जैसा कि आप देख सकते हैं ये मेरी स्टूडेंट है जो इस काम में मेरी हेल्प करेगी। तो अगर दोनों लोग करेंगे ना तो जल्दी जल्दी से काम हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारे कोन बनाने थे और मेरे कज़िन की हल्दी भी है तो वो भी मुझे अटेंड करना है। फाइनली हमारे कोन रोल हो चुके हैं, आप देख सकते हैं। और अब हम अपने पेस्ट को ब्लेंड करेंगे जो मैंने डाई रिलीज के लिए रात में रखा था, और अब हम यहाँ पर पेस्ट को ब्लेंड करेंगे। तो पेस्ट को ब्लेंड करने के लिए हम यहाँ पर बिटर मशीन का यूज़ कर रहे हैं क्योंकि ज़्यादा अमाउंट में पेस्ट है। तो हाथ से अगर हम ब्लेंड करेंगे ना तो भाई हाथ की तो बैंड बच जाएगी और हालत ख़राब हो जानी है। तो इसलिए यहाँ पर हम बिटर मशीन की हेल्प से अपने पेस्ट को ब्लेंड करेंगे। तो यहाँ पर उसके लिए हम बिटर मशीन को सेट कर रहे हैं और अच्छे से इसको सेट कर लेंगे। उसके बाद हम पेस्ट को जो है अच्छे से ब्लेंड करेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ना मैंने जो है पेस्ट को जो सील किया था वो पॉलीथीन बैग का यूज़ किया था, जो कि हम लोग जो थैला होता है ना, जो हम लोग राशन वगैरह के लिए यूज़ करते हैं, मतलब जो शॉप में मिलते हैं उसी का मैंने यूज़ किया था। और माशाल्लाह से काफ़ी अच्छे से जो है डाई रिलीज़ हुआ था, बिल्कुल भी इसमें एयर नहीं गया। और देख सकते हैं आप बहुत अच्छे से माशाल्लाह से डाई रिलीज़ हुआ था, क्योंकि मैंने फ़र्स्ट टाइम यहाँ पर यूज़ किया था तो मुझे इसका आइडिया नहीं था कि जो अच्छे से होगा, क्योंकि इसके लिए यहाँ पर जो फॉइल पेपर या रैपिंग पेपर का यूज़ करते हैं, मतलब रैपिंग पेपर मतलब जो शीट आती है पॉलीथीन उसका यूज़ करते हैं। और ये किचन वाली पॉलीथीन तो कभी यूज़ नहीं किया, बट यहाँ पर हमारे पास थी नहीं तो हमने सोचा एक बार ट्राई करते हैं। तो बहुत अच्छे से, लेकिन माशाल्लाह से काफ़ी अच्छे से जो है डाई रिलीज़ हुआ था और काफ़ी स्मूथ पेस्ट हमारा यहाँ पर बनके तैयार हुआ था। तो अब हम इस बीटर की हेल्प से अच्छे से इसको ब्लेंड करेंगे। तो एक बाउल का पेस्ट तो अच्छे से ब्लेंड हो चुका है और एक मेरी स्टूडेंट कर रही थी फटाफट से। तो यहाँ पर ना काफ़ी अच्छे से और काफ़ी स्मूथ पेस्ट हमारा बनके रेडी हुआ है, आप देख सकते हैं। और अब हमने ना सारे जितना भी पेस्ट हमारा है वो सारा पाइपिंग बैग में फ़िल कर लेते हैं। यहाँ पर चार पाइपिंग बैग तो तैयार हो चुके हैं, कौन पेस्ट अच्छे से फिल हो चुका है और पाँचवा जो है अभी फिल हो रहा है, और अभी मेरे ख्याल से एक दो और जो है बैग फिल होंगे। तो टोटल हमारे यहाँ पर आई थिंक 5 या 6 जो है पैकिंग बैग फिल हो जाएंगे। और अब हम यहाँ पर फटाफट से कोन को फिल कर लेते हैं और अच्छे से उसको हम, एक तरफ मेरी स्टूडेंट कोन को फिल कर रही थी और एक तरफ मैं इस कोन को अच्छे से सील कर रही थी। इसी तरह से फटाफट से हमारा काम कंटिन्यू चल रहा था और काफ़ी टाइम हो गया था, मतलब सुबह से मेरे ख्याल से 12 बजे से हमने अपना काम शुरू किया था। जब मेरी ये स्टूडेंट आई है तब से हमने अपना काम शुरू किया। तो भाई अब भूख लग गई थी बहुत तेज़ वाली, तो हमने सोचा कि ना पिज़्ज़ा ऑर्डर किया जाए। तो यहाँ पर ना हमने पिज़्ज़ा केक से पिज़्ज़ा मंगाया था, स्विगी से ऑर्डर किया था दोनों के लिए। तो फटाफट से इसको अच्छे से फटाफट से इसको खा लेते हैं, उसके बाद आपसे मिलते हैं। कोन अभी बन चुके हैं, ये टोटल हैं 46 कोन
देख सकते हैं आप, अभी कुछ कोन बाकी हैं और अभी ये पाइपिंग बैग बाकी है। सोचे गए सुबह से काम करते करते इतना टाइम हो गया, 4:30 बज गया, बट अब हमारे यहाँ है हल्दी, तो अब भाई अब तो नहीं कर सकती हूँ और अब मैं जा रही हूँ अपना फंक्शन जो है अटेंड करने, उसके बाद अब इंशाल्लाह रात में फिर मैं काम करूँगी। चलिए फ्रेंड्स, हल्दी का फंक्शन हो चुका है और अब मैं आ गई हूँ अपने घर और अब जल्दी से फ्रेश होकर मैं अपना काम स्टार्ट करती हूँ। इतना काम अभी बचा है हमारा और ये अब हम अभी थोड़ी देर बाद से स्टार्ट करेंगे, थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद। अपने कोन अभी बन चुके हैं, आप देख सकते हैं ये होंगे मेरे ख्याल से इतने कोन बच चुके हैं, इसमें से काफ़ी कोन सेल भी कर चुकी हूँ मैं। और अभी ये दो पाइपिंग बैग का जितना भी कोन है वो बचा हुआ पेस्ट वो अभी बनाना है मुझे, और ये कोन कम पड़ गए थे तो अभी ये भी बना लेती हूँ, उसके बाद फिर टोटल ये कोन बनाऊँगी। अब इतने कोन ये बन चुके हैं और अभी टाइम हो रहा है 12:45, 10 बजे से मैंने काम करना शुरू किया था और 12:30 बज गया है अभी। सिर्फ ये बनाते बनाते सोचिए अभी मुझे वो काम भी करना है, मतलब आज की पूरी रात जाने वाली है। सो गाइस, अब ये बन गया है इतना और 10:30 बजे से मैंने ये बनाना शुरू किया था और अब बज रहा है 12:15, तो अभी तो ये काम भी करना है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि और पूरी रात बीत जाएगी और 9:00 बजे से मुझे मेहंदी के लिए भी जाना है और समझ में नहीं आ रहा कैसे हो गया। दोपहर में वो लड़की थी तो मतलब मेरी स्टूडेंट थी तो उसने काफ़ी काम मेरे साथ करवा लिया था, बहुत सारा उसने करवा लिया, मतलब 12:30 बजे वो आई थी और शाम को वो 5 बजे गई है, बहुत उसने मेरी हेल्प करवा ली करा ली थी। बट मुझे मेहंदी हल्दी के फंक्शन में जाना था इसलिए फिर उसको बोला कि तुम चली जाओ, फिर जो भी होगा जितना बचा होगा वो मैं कर लूँगी। थोड़ी देर रेस्ट करेंगे, 10 मिनट रेस्ट कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम एक कोन की फिलिंग करना शुरू करते हैं और फिर आपसे मिलते हैं। काउंट कर लेते हैं कि कितने हैं कोन बन गए, देख रहे हैं माशाल्लाह से कितने सारे कोन बन गए माशाल्लाह। चलिए अब देखते हैं। तो काम करते करते अब मन हो गया कुछ खाने का, तो सोचा कि थोड़े से मौसम्मी खा लेती हूँ, तो आप लोगों को भी खाना है तो प्लीज़ ज्वाइन करिए। सो फाइनली मेरे कोन बन के तैयार हो चुके हैं, आप देख सकते हैं पूरा बकेट भर गया माशाल्लाह से, और अल्लाह करे सारे कोन मेरे जो है बिक जाएं, एक भी कोन ना बचे। और देख सकते हैं कितनी मेहनत लगी, मतलब कल मैंने पूरा पेस्ट बनाया, उसके बाद सुबह से मैं लगी हुई थी, बीच में थोड़ा रेस्ट लिया मतलब फंक्शन में गई थी, उसके बाद से कंटिन्यू मैं 10:30 बजे से कंटिन्यू कर रही हूँ और अब जाके कितना टाइम हो रहा है एक सेकंड में बताती हूँ, 1:41 हो रहा है, मतलब 2:15 बजने वाले हैं और अब मेरा ये काम ख़त्म हुआ है और अब मैं बस इसको काउंट कर लूँगी कितने कोन हैं, उसके बाद मैं भैया सो जाऊँगी क्योंकि सुबह भी मुझे जल्दी उठना है, 8:00 बजे मुझे निकलना है। तो देख लेते हैं, काउंट कर लेते हैं कि कितने हैं कोन बन गए, देख रहे हैं माशाल्लाह से कितने सारे कोन बन गए माशाल्लाह। चलिए अब देखते हैं कितने कोन हैं, 1, 2, 3, 4, 26, 77। तो बस देख सकते हैं 77 टोटल कोन अभी हमारे पास हैं और इसमें से मैंने आई थिंक 6 कोन मैं इसे मतलब सेल कर चुकी हूँ, जा चुके हैं, बिक चुके हैं,
और अभी 77 कोन हमारे टोटल हैं, जिसमें से कुछ कोन तो जाने ही जाने हैं, बाकी जो है रिटेल प्राइस में अपना सेल होते रहेंगे। तो देख सकते हैं आप इतने कोन हमारे बन के तैयार हो चुके हैं। तो चलिए अब तो काम ख़त्म हो गया है फाइनली, और देख सकते हैं कितना ज़्यादा फैल चुका है। फिर भी मैं काम करते करते समेट रही थी, बट इतना देख रहे हैं कितना फैल चुका है, फैला हुआ है। अभी सारा काम मैं कल मॉर्निंग में करूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ। अब बस मैं अब जा रही हूँ सोने, और चलिए मिलती हूँ हम आपको। मैं अब देखिए ब्लॉग तो बहुत लंबा हो गया और कितने पार्ट में बनने वाला है इसका कोई आइडिया नहीं है, और ये सारे ब्लॉग्स आपको मिलेंगे करवा चौथ के बाद, क्योंकि मैं बैक टू बैक ब्लॉग शूट करूँगी, और सारे ब्लॉग में आपको बाद में धीरे धीरे से मिलते रहेंगे इंशाल्लाह। और क्योंकि अभी मैं बहुत ज़्यादा बिजी हूँ, भाई की शादी है प्लस ये करवा चौथ का काम है, तो बहुत ज़्यादा हैक्टिक डे हमारा अभी है। तो बाकी मैं धीरे धीरे आपको अपडेट करती रहूँगी इंशाल्लाह। तो चलिए अब मैं जाती हूँ सोने, टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है, सुबह भी जल्दी उठना है, बहुत लेट हो गया है, सब लोग सो चुके हैं, भाई मैं अकेले जग रही हूँ। तो अब तो भाई मेरे अंदर हिम्मत नहीं है कि मैं यहाँ पे बैठ के कुछ और काम कर सकूँ, अब मैं निकलती हूँ। तो चलिए हम आपसे मिलते हैं सुबह मॉर्निंग में। ओके, अल्लाह हाफिज़।